हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टू ऐसे ब्यूटीफुल से आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए बेसिक से रॉ मटेरियल्स को ही मैंने यूज़ किया है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स तो आपके पास भी होंगे, डेफिनेटली इन सारे आइडियाज़ को ट्राई करना और अपने घर पर भी डेकोरेट करना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना। तभी तो एवरी थर्सडेज एंड संडेज को जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो सारे के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ये सारे वीडियोस एंजॉय कर सको। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक वेस्ट मटेरियल। ये प्लास्टिक के जो लीड्स होते हैं, ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है, बिकॉज ये फूड डिलीवरीज के साथ जो कंटेनर्स वो आते हैं, ये उन्हीं का ही जो लीड है उसको ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसके बदले कुछ और यूज़ करना चाहो सिमिलर शेप का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लीड के साथ तो मैंने कई सारे क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर किया है, सारे के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि सेंटर पे मैंने इस तरह से एक सर्कुलर मोल्डेड क्ले से शेप बना के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड उसके बाद जब वो ड्राई हो गया, तो उसके ऊपर पूरे में मैंने जेसो का अप्लाई किया है। अब ये कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे मैं सन, मून एंड स्टार्स एक ही क्राफ्ट में ऐड करना चाहती थी, बिकॉज मैंने एक दिन सपने में ऐसा ही कुछ देखा था। तब से मुझे था कि मैं एक ऐसा क्राफ्ट बनाऊँ जिसमें मैं सन, मून एंड स्टार्स तीनों को ही ऐड कर सकूँ। ये एक बैल्कनी के लिए मैंने बेसिकली बनाया है, बट आप चाहो तो आप इसको इस तरह से क्रिएट करके अपने लिविंग रूम में या कहीं पे भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। मुझे ये इसका आउटकम इतना ज़्यादा पसंद आया कि बाद में मैंने इसको बालकनी में नहीं बल्कि अपने बेडरूम में ही इसको रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, मैंने जो भी शेड्स यहाँ पे यूज़ किया है, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके मैंने कुछ अलग मतलब शेड क्रिएट करने का ट्राई किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर्स आपको पसंद है या फिर आपकी थीम के साथ अगर आप कुछ चाहते हो, तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हो। तो चलो अब इसको पेंट करते हैं, देखते हैं कि मैंने इसमें किस तरह से सारे डिटेल्स को एक साथ ऐड किया है, सो दैट ये कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छा लगे एंड विजुअली भी बहुत अच्छा लगे। तो चलो पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैंने सेंटर पे ये मून बनाया है एंड इसके साइड्स में मुझे गोल्डन कलर चाहिए था। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ, अगर आप एक्रेलिक पेंट्स में अगर गोल्डन कलर यूज़ करते हो सिंगल कोट, तो उससे इफ़ेक्ट गोल्डन कलर का बहुत ही लाइट आता है, अच्छे से जिस तरह का शेड आपको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो आपको रिपीटेटिवली करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आपको जिस तरह का गोल्डन चाहिए, मतलब अगर आपको थोड़ा सा डार्कर शेड चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा सा पहले एक लाइटर ब्राउन कलर ऐड कर दो एंड उसके ऊपर आप गोल्डन ऐड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा विंटेज काइंड ऑफ चाहिए गोल्डन, तो उसके लिए आप पहले ब्लैक ऐड करो एंड देन उसके ऊपर आप गोल्डन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एकदम ब्राइट गोल्डन चाहिए था, तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे येल्लो से पेंट किया एंड उसके बाद इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। तो इससे सिर्फ एक कोट ऑफ येल्लो एंड वन कोट ऑफ गोल्डन से ही मेरा जो भी कलर डिज़ायर था वो आया है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे मून तो बन गया, अब इसके बाद जो सन वाला इफेक्ट है, सन वाला जो डिज़ाइन है, वो मैं इस तरह से रेज ये हाफ पोर्शन में यहाँ पे क्रिएट करूँगी। तो ये भी अगेन बिल्कुल ही आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से आप बना सकते हो, जितना भी क्रिएटिव आप होना चाहो कर सकते हो। स्पेशली ये वाले क्राफ्ट आप अपने बच्चों को ट्राई करने दे सकते हो, बिकॉज ये
बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली वो बनाएंगे एंड आपके पास एक यूनिक सा आइटम होगा। तो अब चलो बाकी पूरे इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन इसका फाइनल आउटकम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ और भी कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिससे आपका क्राफ्ट अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन सकता है। तो चलो सबसे पहले ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मैंने सन वाला जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आता है इसमें स्टार्स ऐड करने की बारी और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे डिटेल्स जो कि इस क्राफ्ट को कंप्लीट करेगा और इसके लुक को एनहांस करेगा। तो चलो अब पूरे प्रोसेस को देखते हैं। एक तरफ मैंने यहाँ पे सन रेज क्रिएट किया था पेंट के हेल्प से। अब इसके बाद इसके ऑपोजिट साइड में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ पाइप्स को कट करके डिफरेंट साइजेस में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड उसको भी मैंने सेम गोल्डन कलर से पेंट किया है। अब ये क्राफ्ट बिल्कुल कंप्लीट है और देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर आपको वार्निश का भी अप्लाई करना है एंड ये इसके नीचे अगर आप चाहो तो आप टैसल्स का भी यूज़ कर सकते हो इन अ सिमिलर कलर टोन, उससे ये क्राफ्ट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बट मुझे ये ऐसा ही चाहिए था, मतलब इसमें मुझे फ़िलहाल के लिए कोई भी टैसल्स वगैरह ऐड नहीं करना था तो मैंने इसको इसी तरह से ही रखा है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो और आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैंने अगेन वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है। ये जो बिरयानी के हंडी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक वेस्ट मटेरियल है, जिससे आप कई सारे आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो। मैंने तो काफ़ी सारे आइडियाज़ ट्राई किया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है और अपने घर पर मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ भी कर रही हूँ। बिल्कुल एक ऐसा वर्सेटाइल आइटम है जिस पे आप जिस तरह का डिज़ाइन चाहो आप वैसा ही बना सकते हो एंड सारे के आउटकम्स ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। इस बार मुझे लगा कि इसको कुछ डिफरेंटली स्टाइल करते, इसलिए मैंने यहाँ पे आप आगे देखोगे कौन कौन सी थिंग्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बट उससे पहले सबसे पहले इस पे हम जेसो का अप्लाई करेंगे एंड देन इसके ऊपर हम एक्रिलिक पेंट से पेंट करेंगे। तो चलो पहले बेस रेडी करते हैं देन देखते हैं कि मैंने इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया है सो दैट ये क्राफ्ट को मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो अब यहाँ पे सारे पेंट्स बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, इसके ऊपर मैं कुछ पेस्ट करने वाली हूँ। इस बार मैंने इस पर पेंट नहीं किया है, जो भी डिज़ाइंस मैं यहाँ पे करूँगी वो सारे मैं मिरर्स, राइनस्टोन्स एंड कुछ धान के जो सीड्स होते हैं, मतलब जो राइस के दाने होते हैं, उन सारे से मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए जो भी डिज़ाइंस मुझे चाहिए उस तरह का एक आउटलाइन मैंने यहाँ पे कर लिया है, उसके बाद इस पे हम इस तरह से पेस्ट करेंगे।
तो सिंपल है, आपको सिर्फ फेविकॉल से ये सारे को पेस्ट करना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट आउटकम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आता है। मैंने एक पहले क्राफ्ट आपके साथ शेयर किया था, वो एक वॉल हैंगिंग था, उस पर मैंने सेम इसी कलर टोन में रखा था एंड इसके साथ ही मैंने ये धान का भी यूज़ किया था। तो अब मैं ये दोनों जो क्राफ्ट है कभी मैं इसको क्लब करके भी रख सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसको सेम कलर टोन पे ही रखा है। तो आप दोनों जो आइडियाज़ है उन सारे को एक साथ कंबाइन करके आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो चलो पहले इसके जो भी डिज़ाइन है उन सारे को रेडी करते हैं, देन देखते हैं कि इसमें मैंने और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स ऐड किए हैं जिसके वजह से ये क्राफ्ट का जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। अब ये सारे धान बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है, ड्राई भी हो गया है जो भी ग्लू मैंने यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे एक 3D आउटलाइनर के हेल्प से जितने भी डिटेल्स है सारे को एक डिफाइंड लुक देने के लिए कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े से बॉर्डर्स लाइंस यही सारे ऐड करूँगी, सो दैट जितने भी ये धान वाला जो डिज़ाइन है वो सारे और भी ज़्यादा टुगेदर लगे, मतलब एक साथ थोड़ा कम्बाइंड काइंड ऑफ लगे एंड सारे जो भी डिज़ाइन है इन सारे को एक डिटेल्स मिले। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे स्पेसेस थे वहाँ पे छोटे छोटे से डिटेल्स ऐड किया है ये 3D आउटलाइनर के हेल्प से। एंड इसके बाद जब ये सारे भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं कुछ राइनस्टोन्स का और कुछ ग्लास मिरर्स का यूज़ करूँगी सो दैट ये क्राफ्ट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। वैसे तो आप चाहो तो आप सिर्फ ये 3D आउटलाइनर से और ये धान वाले डिज़ाइन से भी इसको बना सकते हो, बिकॉज़ ये ब्लू के साथ ये जो धान का कलर है ये बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी बेसिक सा डिज़ाइंस रखा है, बहुत ही खाली सा ये लग रहा था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने और भी ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़े से मिरर्स का यूज़ किया है, थोड़े से राइनस्टोन्स का यूज़ किया है एंड देन एक और डिटेल लुक लाने के लिए मैंने एक गोल्डन कलर के लेस को भी ऐड किया है। तो ये इतने में ही कंप्लीट है, इसको आप वार्निश करना एंड देन इसको आप एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर का जो लीड आता है आप लीड को भी बना सकते हो इसी तरह से सेम डिज़ाइन एंड कलर में एंड उसके बाद आप इसको एज अ स्टोरेज आइटम भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप निकनैक थिंग्स रख सकते हो, इस पर आप अगर प्लांट रखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मैंने तो इसको फ़िलहाल एज अ प्लांटर की तरह ही इसको बनाया है एंड बाद में हो सकता है कि इसका लीड को भी मैं सेम इसी कलर टोन में एंड इसी डिज़ाइंस में मैं इसको पेंट करूं एंड देन वो भी मैं एज अ स्टोरेज की तरह भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो देखो ये कंप्लीट है, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप भी डेफिनेटली ट्राई करना और ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी शेयर करना कैसा लगा ये दोनों आइडिया, ज़रूर मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना और सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं और इसका फाइनल आउटकम देखते हैं और आप इसको क्रिएट करना और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विथ अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।